हेलो पीपल, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी एंड फाइन। दिल्ली में हो गई है बहुत ही ज्यादा गर्मी और हर कोई ढूंढ रहा है एटलीस्ट एक ना एक वीकेंड गेटअवे, अ बिट कूलर प्लेस टू रिलैक्स, चिल एंड बीट द हीट विद योर फ्रेंड्स और फैमिलीज। और इवन आजकल सोलो ट्रिप का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल चुका है और जल्द ही मैं एक सोलो ट्रिप पे भी व्लॉग आपके लिए लाने वाला हूँ। सो अगर नए हो चैनल पे, फटाफट से सब्सक्राइब के बटन को दबा दो एंड चलते हैं आगे वीडियो में। टाइटल आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी लिया होगा। आई एम गोना बी टेलिंग यू 5 बेस्ट वीकेंड गेटअवेज नियर दिल्ली टू बीट द हीट एंड हैव अ चिल एंड रिलैक्सिंग वीकेंड। सो बने रहिएगा व्लॉग के एंड तक सो दैट यू डोंट मिस एनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ऑल्सो अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है, लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। ये पांच जगह जो मैं आपको बताने वाला हूँ आर इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, ऑल आर अमेजिंग एंड ब्यूटिफुल प्लेसेस टू एक्सप्लोर। बट स्टार्ट करेंगे मेरे नाम से मिलती जुलती जगह ऋषिकेश से। दिल्ली से 260 किलोमीटर दूर ऋषिकेश एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे एज ग्रुप के लोग एंजॉय कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग द बेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल टू ऋषिकेश फ्रॉम दिल्ली इज बाय रोड, सो रोड ट्रिप इज द बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी। एंड उसमें भी अगर आप बस ऑप्ट करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीप रेट्स में एक अच्छी कंफर्टेबल जर्नी मिल जाती है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं रेड बस पे देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम and the prices vary from 200 to 1000 rupees depending upon the time and kind of bus you choose. It takes approximately 6 hours to reach Rishikesh from Delhi by a bus. Traveling by our own car is another good but a bit expensive option to reach Rishikesh from Delhi. An approximate fuel cost is around rupees 3500 to reach and return from Rishikesh. Traveling by train is another option, but the nearest railway station to Rishikesh is Haridwar. Another 25 kilometers you'll have to travel to reach your destination. बात की जाए अगर accommodation की तो Narayana Bai Salwas is a really good resort in Rishikesh. यहाँ पे सारी facilities available हैं and it is also a pet friendly property. So if you are traveling with your pet, this option is a really good one. Hostels are also really popular accommodation in Rishikesh. यहाँ पे आपको options मिल जाते हैं as cheap as rupees 300 to stay. Some of the best hostels in Rishikesh are Blue Jay, Ghost Tops and Hostler. ऋषिकेश की बेस्ट अट्रैक्शंस में से एक है लक्ष्मण झूला, जहाँ पे सुबह के टाइम बहुत ही सीनिक व्यूज देखे जा सकते हैं और रात के टाइम यहाँ पे ऐसी हवा चलती है कि बस यहाँ से हिलने का मन ही नहीं करता। लक्ष्मण झूला के पास घाट पे अराउंड 6 PM हर रोज आरती भी होती है, जिसका एक ना एक बार आपको जरूर हिस्सा बनना चाहिए। रिवर राफ्टिंग इज अमंगस्ट द मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटीज इन ऋषिकेश एंड बहुत दूर दूर से लोग खास ऋषिकेश रिवर राफ्टिंग करने आते हैं। Prices for this start from as low as 400 rupees and there are also a lot of other activities like zip lining, river crossing, bungee jumping that happen across the area. राम झूला, लक्ष्मण झूला और रिवर राफ्टिंग के लिए ऋषिकेश फेमस तो है ही, बट हैव यू एवर हर्ड ऑफ द बीटल्स आश्रम? ये एक ऐसा आश्रम है ऋषिकेश में जहाँ पे बीटल्स बैंड के मेंबर्स ने आके तपस्या की थी। ये उस वक्त के कुछ ग्लिम्स हैं जब मैं बीटल्स आश्रम गया था। चलिए अब अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ चलते हैं। दिल्ली के पास वीकेंड गेटअवेज की बात हो और कसौली की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जस्ट लाइक ऋषिकेश, कसौली के लिए भी रोड ट्रिप इज द बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी। बस फेयर रेंज करता है 500 से 1000 रुपए के बीच फॉर वन साइड एंड इट इज द चीपेस्ट ऑप्शन फ्रॉम दिल्ली टू कसौली। और अगर आप ट्रेन से जाते हैं कसौली तो आपको बहुत ही ज्यादा खूबसूरत रास्ते देखने को मिलेंगे अपनी जर्नी में। ट्रेन टिकट स्टार्ट फ्रॉम 800 रुपीज और नियरेस्ट स्टेशन टू कसौली इज कालका रेलवे स्टेशन, जहाँ से कसौली का डिस्टेंस है 25 किलोमीटर्स, जिसे कवर करने में आपको कम से कम एक घंटा तो लगेगा। टॉकिंग अबाउट स्टेज, कसौली में होटल ज्यादा महंगे नहीं है एंड यू कैन गेट अ डिसेंट रूम फॉर एज लो एज 1000 रुपीज, विच कम्स डाउन टू 500 पर पर्सन। दिस प्रॉपर्टी कॉस्टेड मी ओनली 1000 रुपीज फॉर वन नाइट। बेट फ्रेंडली ऑप्शन कैन ऑल्सो भी फाउंड इन कसौली। इस प्रॉपर्टी का नाम है कसौली नेचर इन एंड इस प्रॉपर्टी ने हमें किसी भी तरह से डिसअपॉइंट नहीं किया। इट इज अ मस्ट रिकमेंड फ्रॉम माई साइड। कसौली का टूर आप स्टार्ट कर सकते हैं बाय एक्सप्लोरिंग द मॉल रोड। यहाँ पे काफी सारे शॉपिंग, ईटिंग एंड रोमिंग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। यू ऑल्सो शुड मस्ट ट्राई द बन समोसा, विच इज अ लोकल क्विजीन ऑफ कसौली, और इसके साथ चाय का मैच करके तो मजा ही आ जाता है। मूविंग फॉरवर्ड यू हैव टू रीच द क्राइस्ट चर्च, विच इज ऑल्सो अ मस्ट विजिट प्लेस। इट वॉज बिल्ड इन 1853 और इसकी टाइमिंग्स है 7 AM to 7 PM एंड द संडे सर्विस इज हेल्ड एट 9:30 AM। चर्च से कुछ ही मीटर की दूरी पे आप पहुंच जाते हैं सनसेट पॉइंट, जहाँ से व्यूज कुछ ज्यादा ही बढ़िया है।
यह जगह फोटोग्राफ्स के लिए बहुत अच्छी है एंड यू कैन स्पेंड अ फ्यू मिनट्स विद योर फ्रेंड्स और फैमिली टू रिलैक्स हियर। मूविंग अहेड फ्रॉम द सनसेट पॉइंट यू रीच द गिल्बर्ट ट्रेल विच इज अ नेचर सराउंडेड ट्रैक। इस ट्रेल पे आप नेचर के इतना करीब आ जाते हैं कि यू फॉरगेट द हैसल ऑफ योर सिटी लाइफ फॉर सम मोमेंट्स। दीज वर आर बेस्ट एंड मोस्ट फेमस अट्रैक्शंस इन कसौली। इसके अलावा कसौली में एक ऐसी बेहतरीन हिडन वाटरफॉल है जहाँ पे आपको एक ना एक बार जरूर विजिट करना चाहिए। तो इस वाटरफॉल के बारे में अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इस वाटरफॉल का नाम है जंगेशु वाटरफॉल एंड मैप पे आप इसको इजीली लोकेट कर सकते हैं। ये वाटरफॉल विजिट करना फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, यू हैव टू टेक अ टिकट फ्रॉम प्रेम वैली जिससे आप वाटरफॉल तक पहुंच सकते हैं। यहाँ के व्यूज बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं और ऐसे कुछ नज़ारे हैं वाटरफॉल के। यू कैन गेट योर ओन फूड एंड ड्रिंक्स एंड सिट अलोंग द वाटरफॉल टू एंजॉय द अमेजिंग वेदर एंड द सीनरी। आप लोगों से मैं बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे अपनी फूड या ड्रिंक्स लाते हैं तो प्लीज़ यहाँ पे गंदगी ना मचाएं और इस ब्यूटीफुल नेचर को सबके लिए ब्यूटीफुली रहने दें। सो दिस वॉज कसौली फॉर यू ऑल। चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन की ओर। दिल्ली से करीब 300 किलोमीटर दूर मसूरी कहा जाता है द क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस एंड इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर अ वीकेंड गेटअवे फ्रॉम दिल्ली। ट्रैवलिंग ऑप्शंस को अगर हम देखें तो बस फेयर स्टार्ट हो जाता है 1200 रुपए के आसपास से, जो कि देहरादून एक स्टॉप लेते हुए जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज द ट्रेन विच स्टार्ट फ्रॉम ₹1700 अप्रॉक्स। ऑल्सो देहरादून इज द स्टेशन फॉर द ट्रेन स्टॉप एंड वहाँ से आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी फॉर मसूरी। Driving by your own car is the best option when you are traveling to Mussoorie because bus fare are a bit expensive while traveling from Delhi. Also with the train, आपको train station पे उतर के taxi का extra fare spend करना ही होगा. Traveling by flight is another option, but अगर आप एक budget trip करना चाहते हैं then I don't think that option is for you. अपनी कार तो एक बेस्ट ऑप्शन है ही, बट अगर आपके पास अपनी कार नहीं है then traveling and riding by hiring a scooty is the best option to roam around Mussoorie. Hiring a scooty starts from ₹500 and ranges to ₹800,000 depending upon the availability and season. चलिए अब आपको मसूरी घुमा के लाते हैं। मसूरी तक आए और केम्प्टी फॉल्स न घूमे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। केम्प्टी फॉल्स के रास्ते में आपको मिल जाती हैं काफी सारी शॉप्स जहाँ पे आप मस्त टाइम पास करते हुए फॉल्स तक पहुँच सकते हो और कुछ ऐसे नज़ारे होते हैं जब आप पहुँच जाते हैं। ये फॉल्स देखने में इतनी ज्यादा ब्रेथ टेकिंग लगती हैं और अगर चाहे तो यहाँ पे थोड़ी देर नहा भी सकते हैं, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं जहाँ स्टे कर रहा था वहाँ पे एक बढ़िया सा स्विमिंग पूल ऑलरेडी था। इस रिजॉर्ट का नाम था लक्ष्मी विलास इन विच वॉज अ ग्रेट पेट फ्रेंडली प्रॉपर्टी। केम्प्टी फॉल्स में आपको भीड़ तो हमेशा ही देखेगी पर उसका एक अलग ही मजा है। वापस जाने के लिए आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ट्रॉली यूज करें। इसकी टिकट है ₹150 पर पर्सन एंड इसका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा था। व्यूज आप देख ही सकते हैं यहाँ से कितने बढ़िया थे। और नेक्स्ट लोकेशन इज द कंपनी गार्डन। यहाँ पे दिख जाती है काफी सारी वेराइटी ऑफ फ्लावर्स। नेचर से सराउंडेड ये एक ऐसा गार्डन है जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज अ प्लेस कॉल्ड द हाथी पांव। ये लोकेटेड है सस्खेत विलेज में एंड इट इज अ थिकली वुडेड एरिया जो प्रोवाइड करता है हमें विद ब्रेथ टेकिंग एंड हेवनली व्यूज ऑफ द हिमालयस। इट इज ऑल्सो अ हॉटस्पॉट फॉर एडवेंचर सीकर्स फॉर अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज दैट आर ऑर्गेनाइज्ड एट कैंप्स लाइक रेनकोट कैंप एंड नॉर्दर्न एडवेंचर कैंप। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑन आवर लिस्ट इज लैंडोर विच इज अ स्मॉल कंटोनमेंट टाउन नियर मसूरी। यहाँ पे कुछ बहुत ही बढ़िया कैफे हैं, फॉर एग्जाम्पल लैंडोर बेक हाउस एंड चार दुकान कैफे जहाँ पे आपको बहुत ही टेस्टी पैनकेक्स एंड वॉफल्स मिलते हैं विच इज अ मस्ट ट्राई। चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। दिल्ली से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पे जिम कॉर्बेट इज वेल नोन फॉर इट्स एस्टोनिशिंग वाइल्ड लाइफ एंड स्टनिंग रिजॉर्ट। ट्रैवलिंग बाय बस इज अ वेरी गुड एंड इकोनॉमिकल ऑप्शन टू रीच जिम कॉर्बेट। ऑल्सो इफ यू वॉन्ट ट्रैवल बाय ट्रेन द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज रामनगर और अपनी गाड़ी से ट्रैवल करने का तो ऑप्शन हमारे पास है ही। होटल्स, हॉस्टल्स, होम स्टेज ऑप्शंस आर अवेलेबल इन जिम कॉर्बेट। द रिजॉर्ट वी स्टेड इन वाज द रोर। ये एक पेट फ्रेंडली प्रॉपर्टी है और यहाँ हमने सिम्बा के साथ ट्रैवल किया था। इस प्रॉपर्टी के रूम का आप टूर देख सकते हैं। आई बिलीव इट वॉज अ 10/10 प्रॉपर्टी। द रूम वॉज रियली बिग एंड क्लीन। देर वॉज अ स्विमिंग पूल एंड द फूड वॉज ऑल्सो वेरी गुड। सम ऑफ द मस्ट डू थिंग्स इन द कॉर्बेट आर ऑफकोर्स द जंगल सफारी, बट उसके अलावा द बेस्ट थिंग टू डू इन कॉर्बेट इज विजिट द कॉर्बेट फॉल्स इको पार्क, जिसके टिकट प्राइसेस अभी स्क्रीन पे आ रहे होंगे आपके सामने। This is a park that is surrounded with the surreal nature and the falls are just breathtaking. Within 5 minutes of standing here you start feeling so refreshing. Although in falls mein nahana allowed nahi hai but ise dekh ke hi maza aa jata hai.
नेक्स्ट प्लेस इन आवर लिस्ट इज द जिम कॉर्बेट म्यूजियम। इसकी टाइमिंग्स हैं सुबह 8 AM से लेकर 5 PM तक एंड द पेड एंट्री इज ओनली ₹10 फॉर इंडियंस एंड ₹50 फॉर फॉरनर्स। ये म्यूजियम एक्चुअली है एक हेरिटेज बंगलो ऑफ जिम कॉर्बेट, द रेनाउंड हंटर टर्न एनवायरमेंटलिस्ट हु रेज द वैल्यू ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। बाय विजिटिंग दिस म्यूजियम वन गेट्स टू नो हाउ मेजेस्टिक द टाइगर्स आर एंड इनके साथ क्लोज एनकाउंटर्स कितने वर्थवाइल होते हैं। आवर फिफ्थ एंड फाइनल डेस्टिनेशन इज द होम ऑफ प्रेडेटर in the Aravali Hills, located in Rajasthan. So Iska is only 37 km from Alwar railway station aur trains regularly chalti hi rehti hain Delhi se. Also Sir Iska is well connected from NH8, so traveling by bus is also a great option, and of course traveling by our own car is the best option according to me. This phenomenal resort we booked in Sir Iska was only ₹4,000 per night. और मजे की बात तो यह है कि इसमें नॉन वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूडेड था। This property was pet friendly and यहाँ पे स्विमिंग पूल था, एक्टिविटी गेम रूम था, it had such a big lawn area जहाँ पे वॉक करने में और रात को बैठ के चिल करने में बहुत ही सुकून मिलता था। The number one must do thing that should definitely be in our itinerary is the jungle safari. इस सफारी की बुकिंग आपको एडवांस में ही ऑनलाइन या ऑफलाइन मेथड से करवानी पड़ती है। There are two slots, one is from 6:30 AM and another is from 2:15 PM. And also there are two gates in the Sariska forest, one is Sariska gate and the other is Tehla gate. Approximate cost per person is 1500 to 2000 to ride in an open jeep during the jungle safari. And agar aapki kismat achhi hui to aapko tiger zarur dikhega. मैं जब जंगल सफारी करने गया था तो मुझे लेपर्ड दिखा था। दिस वॉज द मोस्ट इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस आई हैव एवर हैड ड्यूरिंग अ जंगल सफारी एंड इसको मैं कभी अपनी लाइफ में नहीं भूल पाऊंगा। दिस जंगल सफारी इज 3 आवर लॉन्ग एंड आपको कई तरह के एनिमल्स एंड बर्ड्स थ्रू आउट द सफारी दिखते ही रहेंगे। तो आप अपना नेक्स्ट ट्रिप कहाँ प्लान कर रहे हैं, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो। If you found this video useful, do consider liking this video so that YouTube aur logo tak ye video pahunch jaye. And if you want to support me and my channel, don't forget subscribing this channel. Aise hi mazedar aur informative videos main aapke liye lata rahunga. I'll see you in the next vlog. Till then, take care. Goodbye.